जी, 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होके बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं, अब हम 130 करोड़ भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम तो नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, नदियां, पहाड़, खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियां, फसलें, समुद्र, सब कुछ दिया है भगवान ने। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हैं, सबसे मेहनती है, फिर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश पीछे रह जाएगा। अब देश के 130 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइए, आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर, एकजुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर 1 देश बन सकता? पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, भारत के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा। व्यापारी, किसान, उद्योगपति, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबको सबको साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था, अब हम सब एक बार फिर इकट्ठे होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।